फ्रेंड्स, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ रिशिका, और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा नाइज़ की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी मार्च मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पे साइंस एंड टेक में ही देखने वाले हैं, बट कुछ न्यू टॉपिक देखेंगे। और चलिए देखते हैं कि कितनी टॉपिक हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, जिससे कि आप बेटर रिलेट कर पाओगे कि अब और कितना पढ़ना बाकी है। तो कल हम लोग बहुत अच्छे आर्टिकल्स देखे थे, टेलीमेडिसिन देखे थे, फार्मास्यूटिकल के बारे में देखे थे, साथ ही यहाँ पे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है हमारी यहाँ की, उसके लिए न्यू रेगुलेटरी बॉडीज़ बनाई गई है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि दो बॉडीज़ बनाई गई है, एक तो हमारे यहाँ जो है मेडिसिन के लिए, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए, एंड सेकेंड थिंग इज़ फॉर होम्योपैथी। ओके, तो ये दोनों भी देखेंगे, साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे, क्रिप्टो करेंसी के बारे में देखेंगे, और आप लोगों को पता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल ग्रुप है, फिर इन फ्लाइट वाईफाई है, सन स्पॉट साइकिल है। तो चलिए आज यहाँ पर रेस्ट ऑफ द टॉपिक को कंप्लीट कर ही देते हैं। आज हमारी साइंस एंड टेक की पोर्शन कंप्लीट हो गई है। तो आप लोग में से कई सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप लोगों को टाइम का इशू नहीं है, एक घंटे या फिर उससे भी ज़्यादा लेसन्स देखने के लिए आप लोग रेडी हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग जब रेस्ट्रिक्ट कर दो तो मुझे भी रेस्ट्रिक्ट होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं लेसन लेकर आ रही हूँ वो आप ही के विल के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो आप लोग जैसा चाहोगे मैं वैसे ही करूँगी। तो अगर आप लोग को कोई इशू नहीं है टाइम का, तो मुझे भी कोई इशू नहीं है, मैं भी यहाँ पे एक घंटे से ज़्यादा का लेसन बना सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे सोशल इश्यूज़ और सिक्योरिटी की लेसन बची हुई है, कल्चर की लेसन बची हुई है, तो ये सारी हम लोग जल्दी से कंप्लीट करेंगे। और परसों से मैं सोच रही हूँ कि मंडे से जो है ना अप्रैल मंथ का स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। आज हम लोग साइंस एंड टेक कम्प्लीट कर लेंगे, कल हम लोग सोशल इशूज़ कम्प्लीट कर लेंगे, और फिर उसके बाद जो है आपकी अप्रैल मंथ की मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अप्रैल मंथ की जो मैगज़ीन है वो आ चुकी है। अब कुछ ही दिन में 15 या फिर मुझे लगता है परसों तरसों तक जो है आपकी मई की रिलीज़ हो जाएगी, मई मंथ की। जून की अभी नहीं आएगी, क्योंकि जून तो अभी चल रही है ना। आप लोग बोले थे कि मैम जून की भी आ जाएगी, तो जून अभी नहीं आएगी। अब हमेशा एक मंथ प्रीवियस जो है लॉन्च करते हैं, तो मई की आ जाएगी। तो हम लोग अप्रैल जो है मंडे से स्टार्ट कर देंगे, ओके। क्योंकि बेसिक टॉपिक्स तो आप लोग के क्लियर होनी चाहिए ना, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखते हो कि आपका पॉलिटी है, इकॉनमी है, IR है, साइंस एंड टेक है, इन्वायरमेंट है, तो ये पाँचों तो आपकी बेसिक है जो कि आपका कवर होता है कि इसमें प्रीलिम्स में। उसके बाद सिक्योरिटी आपका मेंस में आ जाता है। सोशल इशूज़ की भी कुछ टॉपिक ऐसी है जो कि आपका प्रीलिम्स में पूछा जाता है, तो ये सोशल इश्यूज जो आपका दोनों तरफ कवर हो जाता है, लेकिन मेनली यहाँ पे आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। और न्यूज़ इन शॉर्ट देख लेंगे, कल्चर की पोर्शन भी मैं पढ़ा दूंगी। तो ये सारे शॉर्ट होते हैं, जो कि आपका 15-20 मिनट में मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं इसको रिकॉर्ड करके आपके साथ प्रेजेंट कर सकती हूँ। बट ये सारे जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे पॉलिटी, IR, इकॉनमी, तो इसमें स्पेशल फोकस भी देना पड़ता है, और आराम से मुझे यहाँ पे आपको लेसन प्रोवाइड करनी होती है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेसन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल 2019। तो ये अभी बिल है, इस जब एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बट एक बार ओवरव्यू ले लेना चाहिए, और इससे पहले की जो एक्ट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखिए कि UPSC क्या करती है ना, कि जो अभी बिल आने वाली रहती है और अगर वो एक्ट बन गई है तो उससे क्वेश्चन पूछने की चांसेस कम होती है, लेकिन ऑलरेडी ये जो बिल आपकी आ रही है तो ये किसको अमेंड करके लाया जा रहा है, यानी कि पहले की कौन कानून है जिसको अमेंड किया जा रहा है, तो उस कानून के बारे में ज्यादा पूछ लेती है। तो यहां पे देखिए कि ये जो आपका यहां पे कानून लाया जाएगा, इससे पहले जो मेडिकल सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 थी, इसको यहां पे आपका 1970 है, इसको आपका रिपील किया गया है, और एक मेडिकल एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें क्या क्या इंश्योर कराई जाएगी, तो एक अच्छी खासी एडिक्वेट और हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल यहां पे आपका अवेलेबल होगा, वो भी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। साथ ही जो लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च है उसको अडॉप्ट किया जाएगा, और किसके द्वारा, तो मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा जो कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के होंगे। पीरियोडिक असेसमेंट भी होगा, यानी कि टाइम टू टाइम यहाँ पे देखा भी जाएगा कि मेडिकल इंस्टीट्यूशन को कि वो अच्छे तरीके से काम कर रही है कि नहीं, एक साल, पाँच साल, इस तरीके का टाइम इंटरवल भी होता है। साथ ही इफेक्टिव ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। तो हर एक एक्ट में आप लोगों को पता है कि ये तो आपका फंडा आज के डेट में रखा जा रहा है, और इसको एज अ फीडबैक रखा जा रहा है, क्योंकि अगर कोई भी लोग को प्रॉब्लम है इस तरीके के कानून से, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, उनको किसी भी तरीके से उसके साथ चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में अपनी प्रॉब्लम को, कंप्लेन को वो यहाँ पे लॉज करा सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं, तो फिर इससे फीडबैक भी मिलते रहता है। जैसे वही मैं भी कहती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशन है, या फिर आप लोग को मेरे वीडियोज़ में कुछ भी अच्छा लगता है तो वो ज़रूर बताइए, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेट होती है, ठीक है, मोटिवेशन मिलती है। तो उसी तरीके से सरकार को भी है कि वो जो भी कानून लेकर आते हैं, अगर हम लोग जो है उसका पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि चलिए हम लोग जो है उस चीज़ से खुश है, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली हमारे लिए ही ला रहे हैं,
सेम एज जैसे कि मैं ये लेसन आप लोग के लिए ला रही हूँ। अगर फिर भी आप लोग को कहीं भी ड्रॉबैक लगती है कि नहीं कुछ और यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहिए, इस तरीके से मैं पढ़ाऊँ आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, तो उस तरीके से आप लोग बताओगे तो मैं क्या करूँगी ना कि मॉडिफाई करूँगी, नेक्स्ट लेसन से उस चीज़ों पर ध्यान रखूँगी कि आप लोग को यहाँ पर क्या चाहिए, उस हिसाब से मैं आपको लेसन प्रोवाइड करूँगी। तो यही होता है यहाँ पर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कि ये आपका एक ग्रीवियंस है। अगर आप लोग को प्रॉब्लम है किसी भी तरीके का, अगर आप लोगों को पीड़ा है इस कानून से, तो आप लोग यहाँ पर अपनी बातों को रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है इंश्योर कराई जाएगी नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिकल बिल में। अब यहाँ पे की फीचर्स क्या क्या रखा गया है बिल में ये देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम कमीशन बनाई जा रही है जिसमें कि जो आपकी सारी एस्पेक्ट है यानी कि एडुकेशन से रिलेटेड, मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा और रेगुलेट भी किया जाएगा। इसमें फंक्शन क्या क्या है, सबसे पहले है कि पॉलिसीज़ बनाई जाएगी जिसके थ्रू मेडिकल इंस्टीट्यूशन रेगुलेट होंगे, मेडिकल प्रोफेशनल रेगुलेट होंगे, साथ ही यहाँ पे असेस भी किया जाएगा यानी कि यहाँ पे हेल्थ केयर जो है उसकी क्या ज़रूरत है रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको भी देखा जाएगा। साथ ही कंप्लायंस को भी इंश्योर कराया जाएगा। कंप्लायंस किसके साथ, तो ऑब्वियस है कि स्टेट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडियन सिस्टम के साथ यहाँ पे कंप्लायंस होनी चाहिए, दोनों मिलकर यहाँ पे काम करेंगे तभी इस तरीके की कोई भी कानून जो है सक्सेस हो पाती है। साथ ही इंश्योर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, जितने भी ऑटोनोमस बोर्ड है जो कि इस बिल के अंदर सेटअप किया जा रहा है तो उनके बीच में एक अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऑटोनोमस बोर्ड की अगर बात कर ले तो ये बिल जो है ना कुछ यहाँ पे ऑटोनोमस बोर्ड भी यहाँ पे सेटअप करेगी और ये आपका इस कमीशन के अंदर किस सुपरविजन में होगा। तो कौन कौन से बोर्ड है ये देख लीजिए, अलग अलग जो यहाँ पे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसके अलग अलग बोर्ड बनाए जा रहे हैं, जैसे आयुर्वेद के अलग बोर्ड होंगे बोर्ड ऑफ आयुर्वेद, यूनानी सिद्ध और सोवा रिगपा के अलग बोर्ड होंगे, मेडिकल असिस्मेंट होगा और रेटिंग बोर्ड होगी यानी कि इंडियन सिस्टम जो हमारी मेडिसिन की है इसके अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशन है सबको रेटिंग भी दिया जाएगा, एथिक्स और यहाँ पे आपकी जो है मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड भी होंगे। तो इस तरीके की बोर्ड भी यहाँ पे बनाई जा रही है और इस तरीके के बोर्ड के बीच में अच्छा खासा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी आपका इंश्योर कराया जाएगा। साथ ही यहाँ पे एडवाइजरी काउंसिल भी होगी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। ये क्या है कि यहाँ पे प्राइमरी प्लेटफॉर्म होगा जिसके थ्रू जो है आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो है अपने व्यूज़ रख पाएंगे, कुछ कंसर्न रख पाएंगे इस कमीशन के आगे। फर्दर क्या है कि ये जो काउंसिल है ये कमीशन को एडवाइस करेगी कि कुछ भी यहाँ पे आपका कोई भी मेजर्स अगर लेना है उसको डिटरमाइन करना है या फिर मिनिमम स्टैंडर्ड जो मेडिकल एडुकेशन का होना चाहिए उसको मेनटेन करना है तो इसके बारे में जो है कमीशन को बताया जाएगा। साथ ही इंट्रेंस एग्जाम होगी, यहाँ पर आप लोग देखो कि एक यूनिफॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होगी, किसके लिए, तो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए। ये जो बिल है एक नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी यहाँ पे प्रपोज करेगी, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए और हर एक डिसिप्लिन में यानी कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हर एक डिसिप्लिन में। कहने का मतलब है कि आयुर्वेद के लिए अलग से यहाँ पे आपका टीचर के लिए आपकी एंट्रेंस टेस्ट होगी, यूनानी के लिए अलग, सिद्ध के लिए अलग, सोवा रिगपा के लिए, नेचुरोपैथी के लिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे अलग से रखा जाएगा। ठीक है, तो एंट्रेंस टेस्ट का भी यहाँ पे आपका जो है प्रावधान रखा गया है तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे भी इसी के साथ है यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल 2019। तो ये बिल जो है पहले की कानून जो है होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 इसके यहाँ पे रिपील किया जाएगा और एक मेडिकल एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा जिसके अंदर क्या क्या इंश्योर है, तो ऑब्वियस इसमें यही इंश्योर होगा। सबसे पहली है कि एडुकेट यहाँ पे अवेबिलिटी होगी यानी कि अच्छा खासा जो है जो भी आपकी हाई क्वालिटी होम्योपैथिक मेडिकल प्रोफेशनल है उसको यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। साथ ही जो लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च है उसको भी अडॉप्ट कराया जाएगा, वो भी होम्योपैथिक मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा। यहाँ पे भी पीरियोडिक असेसमेंट होगी मेडिकल इंस्टीट्यूशन की और इफेक्टिव ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगी। तो यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि पहले की जो यहाँ पे कानून थी उसमें आपको काउंसिल देखने को मिल रहा है और अब की जो कानून निकल कर आ रही है उसमें आपको कमीशन देखने को मिल रहा है। सेम चीज़ हम लोग पहले के भी यहाँ पे बिल में देखे थे, तो यहाँ पे भी पहले जो थी ये इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल एक्ट थी और अब यहाँ पे नेशनल कमीशन बनाया जा रहा है। सो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कमीशन एंड काउंसिल, इस चीज़ को पहले क्लियर कर लेते हैं तो आपके मन में जो है ना ये एक फंडा क्लियर हो जाएगा कि पहले क्या कानून था और अब किस बेसिस पे ये कानून लाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि बेसिक डिफरेंस आप लोग को पता होना चाहिए कि काउंसिल, कमीशन और कमेटी के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। पहले जो कानून थी वो काउंसिल थी। काउंसिल में क्या होता है कि जितने भी मेंबर होते हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं, जनरली ये इलेक्टेड मेंबर यहाँ पे होते हैं। लेकिन कमीशन में अब यहाँ पे आपका बनाया जा रहा है, इट मींस कि कमीशन जो है ना यहाँ पे जितने भी मेंबर होंगे वो गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा अपॉइंट किए होंगे, यानी कि जो मेंबर होंगे ना वो यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर नहीं आएंगे, ये बॉडी यहाँ पे आपके गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशली जो लोगों को यहाँ पे अपॉइंट करके लाया जाएगा वो इस कमीशन के मेंबर होंगे। यानी कि इसमें आप क्या समझ रहे हो कि ये पूरी तरीके से एक गवर्नमेंट की बॉडी है कमीशन, यानी कि यहाँ पे जो आपका सारी चीज़ों को रेगुलेट किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, वो सब सरकार के हाथ में होगी। लेकिन काउंसिल में ऐसा नहीं होता है। काउंसिल में क्या है कि जो इलेक्टेड मेंबर होते
वो इसके मेंबर होते हैं, वो इसके इलेक्टेड जो होते हैं ना वो इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आपके जो है गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती है ये काउंसिल, लेकिन गवर्नमेंट आज के डेट में क्या कर रही है, आप ये चीज़ काफ़ी पहले से भी नोटिस किए होंगे कि जो बीजेपी की सरकार है ना वो सारे काउंसिल वाले टर्म्स को आपके कमीशन में कन्वर्ट कर रही है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो सारी चीज़ों को अपने अंडर में लाना चाह रही है, वो अपने सारे कंट्रोल को ना अपने अंडर में लाना चाह रही है। एंड वॉट इज़ द कमेटी, कमेटी क्या है कि आप लोग जान ही रहे हो कि ये सब ग्रुप है, यानी कि ओरिजिनल बॉडी का ये सब ग्रुप होता है, ये किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आपका बनाया जाता है और रिपोर्ट भी यहाँ पर मेन ग्रुप को आपका दिया जाता है। तो कमेटी का बस एक ही काम है कि कुछ बनाया गया, क्योंकि आप लोग बहुत सारे कमिटीज़ भी पढ़ते हो, जैसे कि अभी आप लोग एजुकेशन कमेटी पढ़ रहे हो, साथ ही साथ आप लोग जो है यहाँ पे देखते हो कि डेटा प्रोटेक्शन के लिए भी कमेटी है, ओके। तो ये सारी कमेटी आपका बनाया जाता है किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए, वो अपना जो है पूरी तरीके से रिकमेंडेशन भी देते हैं। तो रंगराजन कमेटी भी आप लोग देखते हो कि मनरेगा की थी, तो नो, रंगराजन कमेटी नहीं, नरसिम्हा राव कमेटी, जो कि मनरेगा के लिए बनाई गई थी 1991 में। तो ये सारी कमेटी है जिसको कि आप लोग को ध्यान रखना है, लेकिन बेसिक डिफरेंस आप लोग को मैं यहाँ पे काउंसिल और कमीशन के बारे में फोकस करने के लिए बोल रही हूँ। अब आते हैं हम लोग अपने आर्टिकल पे, तो ये चीज़ समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट, की फीचर्स देख लेते हैं कि इस बिल में क्या क्या फीचर्स यहाँ पे इंक्लूड किया गया। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे नेशनल कमीशन बनाया जाएगा होम्योपैथी के लिए, जिसमें कि होम्योपैथी से रिलेटेड जो भी एजुकेशन है, मेडिकल प्रोफेशनल है या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, उसके डेवलपमेंट का काम किया जाएगा और उसको रेगुलेट किया जाएगा। इस कमीशन की फंक्शन क्या है, सेम फंक्शन है जैसे कि पहले अभी हम लोग देख रहे थे कि पॉलिसीज़ फ्रेम किया जाएगा जो भी यहाँ पे हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करने के लिए होम्योपैथिक मेडिकल प्रोफेशनल होंगे, साथ ही जो भी ज़रूरत है हेल्थ केयर से रिलेटेड, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है वो सारी चीज़ को एक्सेस किया जाएगा। इंश्योर किया जाएगा स्टेट मेडिकल काउंसिल के साथ यहाँ पे कंप्लायंस बैठाने के लिए, साथ ही जो कोऑर्डिनेशन है यहाँ पे भी ऑटोनोमस बोर्ड बनाया जाएगा इस बिल के अंदर, तो उनके बीच में भी यहाँ पे इंश्योर कराया जाएगा कि कोऑर्डिनेशन हो। यहाँ पे आप लोग देख लो कि 3 ऑटोनोमस बोर्ड बनाई जाएगी, फर्स्ट वन इज होम्योपैथी एडुकेशन बोर्ड, सेकेंड वन इज मेडिकल असेसमेंट एंड थर्ड वन इज रेटिंग बोर्ड, सॉरी सेकेंड ही ये मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, थर्ड वन इज बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन। फिर यहाँ पे एडवाइजरी काउंसिल होगी होम्योपैथी में, एज सेम है इस बिल के अंदर क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक एडवाइजरी काउंसिल बनाएगी इस तरीके के होम्योपैथी के ऊपर, और ये काउंसिल का प्राइमरी प्लेटफॉर्म होगा जिसमें कि वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ की जो भी व्यूज़ जो भी कंसर्न है वो यहाँ पर नेशनल कमीशन के सामने रखेगी। ये काउंसिल यहाँ पर नेशनल कमीशन को एडवाइस भी करेगी कि वो उनको क्या क्या मेजर्स यहाँ पर लेना चाहिए, क्या क्या मिनिमम स्टैंडर्ड यहाँ पर रखना चाहिए मेडिकल एजुकेशन के लिए। साथ ही सेम यहाँ पर भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, एक यूनिफॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट होगी, यानी कि सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही एग्जाम होगा, वो भी यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट होम्योपैथी एजुकेशन के लिए। साथ ही यहाँ पे बिल भी एक कॉमन फाइनल ईयर नेशनल एग्जिट टेस्ट भी यहाँ पे प्रपोज कर रहा है, वो भी स्टूडेंट जो कि मेडिकल इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट हो गए और वो यहाँ पे उनको यहाँ पे लाइसेंस लिया जाएगा, वो यहाँ पे लाइसेंस लेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे कि मेडिकल आप लोग देखते हो कि अगर आप लोग में से भी कोई भी मेडिकल स्टूडेंट रहे होंगे तो आप लोग की पढ़ाई ओवर हो जाने के बाद क्या करते हो कि आप लोग प्रैक्टिस करते हो, जिसको आप लोग इंटर्नशिप कहते हो। तो उसके लिए आज के डेट में क्या है कि आप लोगों को कोई एग्जाम पास करना नहीं होता है, या फिर ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ पे क्या बातें की जा रही है ना कि नेशनल एग्जिट टेस्ट होगा, यानी कि अब इस टेस्ट में भी आप लोगों को पास होना है। पहले तो यहाँ पे आप लोगों को मेडिकल करने के लिए आप लोगों को एग्ज़ाम पास होना है, उसमें पास हो गए तो मेडिकल कर लिए, अब मेडिकल करने के बाद अगर आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, लाइसेंस लेनी है, तो उसके लिए भी आप लोगों को एग्ज़ाम देना होगा। तो ये भी एक बात है। तो आप लोगों को पता है कि नेशनल कमीशन जो मेडिकल में लाया जा रहा था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बवाल हुई थी, जस्ट बिकॉज ये एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि कितना टेस्ट देते जाओगे, हर एक फेज़ में आप लोगों को टेस्ट ही देके आगे बढ़ना होगा। तो ये जो है प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करना, तो इसके लिए भी यहाँ पे आपका एक ऑप्शन रखा गया है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल कमीशन फॉर आपकी यहाँ पे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आर्टिकल जो कि है सुप्रीम कोर्ट लिफ्ट्स कर्व ऑन क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो है यहाँ पे आपका कर्व लगा दिया गया था, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है उसको हटा दिया। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जो है आरबीआई की जो अप्रैल 2018 की सर्कुलर बैनिंग थी, यानी कि यहाँ पे आपका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करने का जो बैन कर दिया गया था, जैसे कि आपकी बैंक्स है, NBFC है, वो यहाँ पे जो है वर्चुअल करेंसी जो कि क्रिप्टो करेंसी है उसको ट्रेड करने में बैन कर दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट अब इसको हटा लिया है। पहले समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी एक तरीके का डिजिटल करेंसी है जिसको आप लोग टच नहीं कर सकते हो, आपको आप लोग अपने हाथ में भी नहीं ले सकते हो। ये एक तरीके का डिजिटल करेंसी होती है और ये जो है ना क्रिप्टो करेंसी को यूज़ किया जाता है सिक्योरिटी और एंटी काउंटर फिटिंग मेजर्स के लिए, तो ये भी आप लोग देख सकते हो। साथ ही ये नॉर्मली जो है ना किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा ये इशू नहीं किया जाता है, ये आप लोग गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से ये पूरी तरीके से छुटकारा है और ये जो है मैनिपुलेशन भी नहीं करती इसमें गवर्नमेंट का कोई भी तरीके का इंटरफेरेंस भी नहीं देखने को मिलेगा, मैनिपुलेशन भी नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि अभी आप लोग देखे थे कि जो
डीमोनेटाइजेशन हो गया था, गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर को कैंसिल कर दी थी, वो भी 500 और 1000 के नोट को। तो ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी का गवर्नमेंट जो है यहाँ पे उसको भी डीमोनेटाइज कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें कोई भी तरीके का गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है। हर एक तरीके की जो क्रिप्टो करेंसी जो काम करती है ना, उसका कंट्रोल आप देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेंजर, यहाँ पे आपका लेंडर जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू होता है। इट मीन्स कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जैसे आपने कोई एक डेटा इनपुट करा तो उसमें आपका ब्लॉक बन के इसमें आपका डेटा इनपुट हो गया। सेकंड डेटा आपने इनपुट करा तो फिर ये एक ब्लॉक बन गया। फिर आपने यहाँ पे इनपुट किया तो थर्ड भी यहाँ पे ब्लॉक हो गया। फोर्थ आपने किया तो फोर्थ ब्लॉक हो गया। उसके बाद जब आप ये सारे इनपुट को एक जगह फाइल में जब आप लोग इसको सबमिट करोगे, ओके करोगे, तो ये ब्लॉक किस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, तो इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। यानी कि सारे डेटा को, एक ह्यूज नंबर ऑफ डेटा को ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपका जो है अरेंज करके एक ब्लॉक में रखा जाता है, जो कि एक चेन बनते जाता है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और ये बहुत ही ज़्यादा हाई फाई टेक्नोलॉजी है जिसको इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी में आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी कितने तरीके की होती है, क्या क्या नाम है, ये भी देख लीजिए। बिटकॉइन है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, उसके बाद एथेरियम है और रिपल है। तो ये सारे नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट इज़ दिस। तो ये देख सकते हो आप, ये है बिटकॉइन, ठीक है ना। इस तरीके की आपकी जो है डिजिटल करेंसी होती है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि बहुत सारी बेनिफिट्स है क्रिप्टो करेंसी में, तो क्या क्या बेनिफिट्स है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा तभी तो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या बेनिफिट है, सबसे पहला है कि काउंटरफिट करने में काफ़ी ज़्यादा ये आपका डिफ़िकल्ट है फिज़िकल करेंसी से कंपेयर करने में। यानी कि फिज़िकल करेंसी में आप लोग देख लेते हो कि 500 की नोट ये असली है कि नकली है, बहुत आराम से आप लोग देख लेते हो। अभी तो 2000 की नोट चल रही है, तो जब भी आप किसी को भी दोगे, दुकान वाले को कहीं भी दोगे, तो वो एक बार ज़रूर चेक करके रखते कि कहीं ये नकली तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ आप डिजिटल करेंसी में नहीं कर पाओगे, ये चीज़ आपका जो है क्रिप्टो करेंसी में नहीं हो पाएगा। आप ये नहीं समझ पाओगे कि वेदर दिस कॉइन इज़ आपका जो ओरिजिनल है या फिर नहीं है, ओके ये करेंसी आपकी ओरिजिनल है कि नहीं है, ये यहाँ पे डिफिकल्ट है। तो ये एक बेटर हो जाता है अगर आप लोगों को गलत काम करना है या फिर कोई गलत तरीके से यहाँ पे आपको किसी काम को अंजाम देना है, तो आप यहाँ पे नकली भी आप लोग इशू करा सकते हो। साथ ही सॉरी, यहाँ पे आप लोग देखो कि ये यूजुअली ये आप लोग देखोगे कि ट्रांजैक्शंस फ़ीस जो होता है ना, यहाँ पे नहीं लगता है क्रिप्टो करेंसी के लिए, क्योंकि यहाँ पे माइनर्स जो है ना वो कंपेंसेट किए जाते हैं नेटवर्क से। तो यहाँ पे जो आप लोग ट्रांजैक्शंस करते हो तो उसमें किसी भी तरीके का आपका फ़ीस वगैरह नहीं लगता है। कस्टमर को यहाँ पे बहुत बेनिफिट होता है। जो क्रिप्टो करेंसी का जो राइज़ हो रहा है ना, वो काफ़ी ऑर्डिनरी पीपल्स को काफ़ी अच्छा खासा ऑफर दिया जा रहा है, और एक रेयर अपॉर्चुनिटी है कि वो इस तरीके के मल्टीपल करेंसी से वो यहाँ पे चूज़ कर सके, क्योंकि बहुत तरीके की क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अवेलेबल है। तो उसको यहाँ पे कस्टमर के पास एक चॉइस होता है कि वो अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ दैट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जिससे कि यहाँ पे फिनेंशियल सिस्टम की एफिशिएंसी को यहाँ पे इन्हांस किया जा सके। तो ये सारी कुछ बेनिफिट्स है क्रिप्टो करेंसी की। अब आर्गुमेंट क्या है, यानी कि यहाँ पे जो बैन किया जा रहा था क्रिप्टो करेंसी का RBI के द्वारा, तो इसके अगेंस्ट में आर्गुमेंट हुआ था, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहला कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि आप लोग देखते हो कि यहाँ पे स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। समटाइम्स आप लोग देखते हो कि क्रिप्टो करेंसी की जो इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, समटाइम्स इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरीके का आपका जो यहाँ पे वोलेटिलिटी होता है प्राइस का, वैल्यू का, तो ये बहुत ही ज़्यादा थ्रेट होती है किसी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। सेकंड चीज़ है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी रिस्क, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा कंसर्न है डेटा सिक्योरिटी का, कस्टमर प्रोटेक्शन का, और उनके स्पेकुलेशंस के यूज़ का। यानी कि यहाँ पे जो आप लोग किसी भी तरीके का क्रिप्टो करेंसी का यूज़ कर रहे हो, तो इसके डेटा को कितना ज़्यादा सिक्योर किया जा रहा है, ये इसकी यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं है। कस्टमर की प्रोटेक्शंस का कितना ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है, इसकी भी गारंटी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का जो चोरी है ना एक्सचेंजेस से, वो भी यहाँ पे फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में देखने को मिला, और ये 3 times आपका बढ़ चुका है अगर 2017 के कंपेयर में देखें, तो ये भी एक प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग लीगल एक्टिविटीज़ में इसका इस्तेमाल देखें, तो कंसर्न ये भी निकल कर आ रहा है कि इसका जो नेचर है और यहाँ पे सेंट्रल रेगुलेटर की कमी है, क्योंकि इसको कोई रेगुलेट नहीं करता है, तो क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रांजैक्शंस है ना, इससे यहाँ पे जो होस्ट हो रहा है, यानी कि जो गलत काम हो रही है, जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, ड्रग्स डीलिंग है, गन सप्लाईज़ है, तो ये सारी जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसमें आपका जो सप्लाई किया जा रहा है, इस तरीके से आपकी ऑनलाइन और डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। एनोनिमस नेचर में आप देखोगे तो ये ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग जो रूल्स है उसके अगेंस्ट में जा रही है। इंटरनेशनल एग्जाम्पल भी आप लोग देख सकते हो, जैसे चाइना है, चाइना ने भी अनलिस्ट कर दी है एक रेगुलेटरी क्रैकडाउन को, इन्होंने भी अनलिस्ट कर दिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पे जो बैन किया जा रहा था वो चैलेंज क्यों हुआ, ये भी समझने का कोशिश कीजिए। जो वर्चुअल करेंसी
एजेंसी है ना वो लीगल टेंडर तो है नहीं। लीगल टेंडर कहने का मतलब है कि जैसे कि आज की डेट में आप लोग 500 की नोट लेकर चलते हो, तो उनकी लीगल टेंडर है, तभी तो हम लोग कह रहे हैं कि भैया ये 500 नोट है इसको बचा के रखना। आप लोग उसको टियर भी नहीं होने देते हो, फंड फंड फट भी जाता है तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से चिपका वगैरह भी देते हो, तो ये सारा आप लोग ख्याल रखते हो। लेकिन जैसे ही इस नोट का लीगल टेंडर ख़त्म हो गया, तो यानी क्या हो गया, ये एक आपका पीस ऑफ पेपर है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि ये आपका लीगल टेंडर है, लेकिन यहाँ पे वर्चुअल करेंसी का कोई भी लीगल टेंडर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रेडेबल कॉमोडिटीज़ होती है, और ये आपका जो है ना आरबीआई के रेगुलेटरी एम्बिट से बाहर है। सबसे पहली बात यही है, क्योंकि हमारे कंट्री में सेंट्रल बैंक हमारी आरबीआई है, जितनी भी मनी हमारे यहाँ पे फिर फ्लो हो रही है, हमारे यहाँ पे जितनी भी मनी जो प्रचलन में है, जैसे चाहे आप लोग कोई भी कॉइन रख लीजिए या फिर कोई भी आप लोग 200, 100, 50 रुपीज़, 20 रुपीज़, चाहे आप लोग 500, 2000, तो ये सारी जो करेंसी है ये सबको कौन रेगुलेट करती है, तो आरबीआई रेगुलेट करती है। लेकिन वर्चुअल करेंसी को आरबीआई रेगुलेट नहीं कर पा रही है। इवन आप लोग देखोगे कि यहाँ पे वीसी को भी एज्यूम करो तो वो यहाँ पे अमेंडेबल है। यहाँ पे आप लोग वर्चुअल करेंसी को अगर आप लोग एज्यूम करो तो इसको रेगुलेट भी किया जा सकता है आरबीआई के द्वारा, और आरबीआई के जो डायरेक्टिव्स है ना वो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ बिजनेस ट्रेड और प्रोफेशंस जो कि आर्टिकल 19(1)(g) के तहत है उसको वॉयलेट करती है। पिटिशनर जो है वो भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड किया जाएगा वो भी यहाँ पे जो लॉ बैनिंग हो रहा है उसके आगे उसके एब्सेंस में, तो ये एक लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटी होगी और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, और आरबीआई जो है ना वो इसको डिनाई नहीं कर सकते, और जो बैंकिंग चैनल को एक्सेस करने से और यहाँ पे इस तरीके के बिजनेस को कैरी करने से। तो यहाँ पे यही है कि आरबीआई के परव्यू से बाहर है। तो यहाँ पे अगर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड हुआ तो इससे क्या होगा कि इससे ना यहाँ पे जो आप लोग देखते हो कि जो भी यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जितनी भी है वो तो यहाँ पे हो गई, और आरबीआई यहाँ पे डिनाई भी नहीं कर सकती, यानी कि बैंकिंग चैनल को एक्सेस करने से वो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को डिनाई भी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर क्या ऑब्जर्वेशन है ये समझने का कोशिश कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यहाँ पे जो वर्चुअल करेंसी है वो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखिए कि सो बैन डिड नॉट पास द प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट, यानी कि इसको बैन करने से ऐसा नहीं हुआ है कि इसका जो इस्तेमाल है वो कम हो गया है, इसलिए इसको हटा दिया गया है। जो भी आरबीआई के द्वारा यहाँ पे आपका रोक लगा दिया गया था तो उसको हटा दिया गया है, और वो भी यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज़ के थ्रू। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहा जा रहा है, इट मींस कि जो नेचर और एक्सटेंट है स्टेट इंटरफेरेंस का वो भी यहाँ पे एक्सरसाइज ऑफ राइट में, तो इसको प्रोपोर्शनेट करना चाहिए इस गोल को लेकर, जो कि यहाँ पे इसको भी हम लोग पूरा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कुछ बेंच है सुप्रीम कोर्ट के जो कि ये बता रहे हैं कि जो रूल्स यहाँ पे गवर्न करी है कुछ मैटर को लेकर, तो वो भी यहाँ पे डिपेंड होगा किस पे, तो पार्लियामेंट के डिसीजंस पे बेस्ड होगा। साथ ही यहाँ पे जो करेंटली पेंडिंग आपका है यानी कि बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2019, तो ये अभी तक पेंडिंग में है, ये जब पास हो जाएगी तो उसके बाद जो है यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि वो यहाँ पे क्या डिसाइड करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपका ऐड भी किया जा रहा है कि जो आरबीआई है और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनके ऊपर एक मोनोपोली हो जाएगा कि वो यहाँ पे जो है ऑफिशियल डिजिटल करेंसी कैसे वो क्रिएट करेंगे और कैसे वो सर्कुलेट करेंगे, जब भी सिचुएशन अराइज़ होगा तो उनके ऊपर मोनोपोली हो जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से अधिकार इनका हो जाएगा। तो यहाँ पे बेंच ये भी कह रहे हैं, बेंच कहने का मतलब है कि आप लोग देखते हो कि 5 मेंबर 5 जजेस की बेंच होती है जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं, 2 जजेस होते हैं, 9 जजेस होते हैं, ओके। तो यहाँ पे बेंच है, उनका कहना है कि जो वर्चुअल करेंसी है ना, ना तो वो यहाँ पे गुड है और ना ही यहाँ पे कॉमोडिटीज़ है, ना ही ये सामान है ना ही ये कॉमोडिटीज़ है, बट ये कांट बी रिगार्डेड एज ए रियल मनी, यानी कि हम लोग इसको रियल मनी भी नहीं कह सकते हैं। वंस एक बार जो ऑफिशियल यहाँ पे आपका जो वर्चुअल करेंसी है इसको एक्सेप्ट कर लिया गया एज अ वैलिड पेमेंट के द्वारा, वैलिड पेमेंट जैसा किसी भी गुड्स और सर्विस को परचेज करने के लिए, तो एक्टिविटी जो यहाँ पे आएगा आपका आरबीआई के परव्यू के अंदर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वर्चुअल करेंसी को बैन कर दिया गया था आरबीआई के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट इस बैन को हटा रही है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बेंच के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो वर्चुअल करेंसी में एक बार जो है अगर किसी भी चीज़ को हम लोग खरीदते हैं, मान लीजिए कि अमेजोन में आप लोग कुछ भी चीज़ परचेज करो और इस वर्चुअल करेंसी के थ्रू आप लोग जो है वहाँ पे पेमेंट कर दिए, एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो यानी कि क्या हुआ कि ये एक्टिविटीज़ जो है वैलिड कहलाएगा, और दूसरा है कि आरबीआई के परव्यू के अंदर आ जाएगी, यानी कि आरबीआई इसको रेगुलेट भी कर पाएगी, देख भी पाएगी, ओके। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्लॉकचेन है क्या, तो एक डेटाबेस होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये सारी ब्लॉक है, इसमें आपका एक चेन के जैसा ये कनेक्टेड है, तो एक डेटाबेस है जिसमें कि आपका एक कंटिन्यूसली ग्रोइंग जो लिस्ट ऑफ डेटा होता है ना, रिकॉर्ड या फिर ट्रांजेक्शन, उसको मेंटेन करती है। बहुत सारे आप लोग देखते हो कि एक दिन में आपकी डेटाज हो जाती है, जैसे आप लोग क्या करते हो कि मैं यहाँ पे आपकी लेसन ले रही हूँ या फिर आप लोग कुछ भी पढ़ते हो, तो A4 साइज़ में आप लोग जो है ना शीट में एक लिस्ट बनाते जाते हो, तो वो क्या हो गया कि वो चीज़ आप लोग पेन पेपर पे कर रहे हो, बट अगर आप लोग डिजिटल में कर रहे हो, स्टिकी नोट्स में आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा ना
कि उसमें भी इसी तरीके का आपका फॉर्म होगा, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि आपका इस तरीके के ब्लॉक बनते जाएगा और इसमें इनक्रिप्टेड होगा। इट मीन्स कि आप लोग डायरेक्टली इसमें ब्लॉक को ओपन करोगे तो इसमें आपको जो है जो आपने इनक्रिप्ट किया था वही चीज़ें आपको दिखेगी, लेकिन ये एक तरीके का ब्लॉक बनते जाता है और ह्यूज नंबर ऑफ डेटाज को यहाँ पर आपका इंक्लूड किया जाता है। सो यहाँ पर आप लोग देखिए कि क्या क्या बातें कही जा रही है। यहाँ पर शेयर्ड पब्लिकली है, यहाँ पर क्या है कि ये सर्वर है और नोड्स हैं जो कि यहाँ पर एंटिटीज मेंटेन करते हैं, और हर एक नोड जो है ना वो ट्रांजेक्शन डेटा को यहाँ पर दिखाती है, और साथ ही साथ ये नोड यहाँ पे आपका स्टोर भी होता है ब्लॉक के अंदर। साथ ही ऑटोमेटेड है, यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पे डबल ट्रांजैक्शंस जो है ना वो यहाँ पे आपका वो आपका जो है ना यहाँ पे डेटा सेट में नहीं लिखा रहेगा और ट्रांजैक्शंस जो है ऑटोमेटिकली होता है। साथ ही सिक्योर है, यानी कि यहाँ पे जो डेटा आपका रखा जाता है उसको आप लोग रिवर्स नहीं कर सकते हो, काफ़ी सिक्योर डेटा है। ट्रस्टेड है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर है यहाँ पे नेटवर्क का उसमें यहाँ पे ट्रस्ट भी किया जा सकता है, और जो भी डेटा यहाँ पे रखा गया है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड है। डिसेंट्रलाइज है, यानी कि यहाँ पे कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन को अप्रूव करती है और यहाँ पर रूल्स वगैरह को सेट करती है। डिसेंट्रलाइज है, यानी कि पूरी तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटेड आपका यहाँ पे फंडा है। ओके, यहाँ पे भी आपका दिया जा रहा है कि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। देखिए, मान लीजिए कि कोई भी एक इंसान, यानी कि मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करी हूँ एक ट्रांजैक्शन के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि रिक्वेस्टेड ट्रांजैक्शंस जो है ये पी टू पी यानी कि पीयर टू पीयर नेटवर्क में ये आपका यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होगा और उसके बाद कंप्यूटर में एक नोड बन जाएगा। ठीक है, नोड बनता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक नोड बन गया, ये एक आपका नोड बनते गया कंप्यूटर में। उसके बाद क्या होगा कि वेरीफाइड ट्रांजैक्शंस जो है यहाँ पे हम लोग क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही रिकॉर्ड होगा, अदर इन्फॉर्मेशन होगा, फिर यहाँ से आपका जो है ना यहाँ पे आई थी, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैं एक ट्रांजैक्शन को रिक्वेस्ट करती हूँ तो इसमें क्या होगा कि पहले नोड बनेगा, फिर वैलिडेशन होगा, यानी कि नेटवर्क जो नोड का है ना वो वैलिडेट करेंगे, बोलेंगे कि ठीक है ट्रांजैक्शन आप करने के लिए अलाउ कीजिए, और इसको एल्गोरिथम है यानी कि बहुत सारे एल्गोरिथम है यहाँ पर आपका सेटअप किया जाएगा। उसके बाद वेरीफाइड ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन हो जाएगा जिसमें कि मैं क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल करूँगी, तो ये ट्रांजेक्शन डन हो गया। एक बार अगर ये वेरीफाइड हो गया तो ये ट्रांजेक्शन जो है ना दूसरे ट्रांजेक्शन के साथ कंबाइन किया जाएगा और फिर जो है एक न्यू ब्लॉक यहाँ पर तैयार होगा डेटा का। और इससे क्या हो गया कि यहाँ पे आप लोग देखो किस तरीके से जो है एक न्यू ब्लॉक फिर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जो पहले की एग्जिस्टिंग ब्लॉक है उसी के साथ नया ब्लॉक आपका ऐड होते जाएगा। तो इस तरीके से ऐड ऑन होते जाता है डेटा के ऊपर डेटा, और फिर यहाँ पे हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी जो है वर्क करती है। क्रिप्टो करेंसी में और भी बात देख लेते हैं, ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, क्रिएट किया गया है, स्टोर किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली, वो भी ब्लॉकचेन में। साथ ही यहाँ पे इंक्रिप्शन जो टेक्निक है यहाँ पे ये यूज़ होता है जिससे कि हम लोग मॉनेटरी जो यूनिट है उसको क्रिएट कर पाते हैं और जो ट्रांसफ़र ऑफ फंड है उसको वेरीफाई कर पाते हैं। बिटकॉइन आज के डेट में बेस्ट नोन एग्जाम्पल है। साथ ही यहाँ पे आप लोग देखो कि इसका कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ना ही कोई फिजिकल फॉर्म है, और इसकी जो सप्लाई है ना वो डिटरमाइन नहीं किया गया है सेंट्रल बैंक के द्वारा यानी कि आरबीआई के द्वारा। तो इतनी बातें तो आप लोग को ध्यान रखना है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ओके, अब आइए देखते हैं एम्पावर्ड टेक्नोलॉजी ग्रुप। सो व्हाट इज़ दिस? गवर्नमेंट अभी यहाँ पे सेटअप करी है एम्पावर्ड टेक्नोलॉजी ग्रुप, जिसको कि यहाँ पे हेड किया जाएगा प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र के द्वारा। सो ये एम्पावर्ड टेक्नोलॉजी ग्रुप है क्या? सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसमें 12 मेंबर होंगे, जिसमें कि चेयरपर्सन भी होंगे, वो भी एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, स्पेस कमीशन के, डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, DRDO के, और साथ ही सेक्रेटरीज भी होंगे IT के, टेलीकम्युनिकेशन के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्रीज के, यानी कि सारे धांसू यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी यहाँ पे मिनिस्ट्री है, उनके हेड यहाँ पे होंगे। यहाँ पे मैंडेट किया जाएगा कि एक टाइमली पॉलिसी यहाँ पे एडवाइस होगी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर एडवाइस किया जाएगा, जो टेक्नोलॉजी है उसको मैप भी किया जाएगा, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को भी, जो ड्यूल यूज़ यहाँ पे टेक्नोलॉजी है आप लोग जो दो तरीके से इस्तेमाल कर पाते हो उसको कमर्शलाइज़ किया जाएगा, हमारे यहाँ की जो रोड मैप है उसको डेवलप किया जाएगा, वो भी किस तरीके से हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करें टेक्नोलॉजीज़ को, फैसिलिटेट किया जाएगा क्रॉस सेक्टर कोलैबोरेशन, और यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिससे कि हम लोग अपने यहाँ पे टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाएंगे उसको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये सारा, तो इतना सारा काम है जो कि यहाँ पे इस तरीके से एम्पावर्ड टेक्नोलॉजी ग्रुप में आपका रखा जाएगा। यहाँ पे जो ग्रुप है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे देखेंगे, कैसे कैसे प्रॉब्लम देखेंगे, तो सिलो सेंट्रिक अप्रोचेज होगा, यानी कि यहाँ पे जो है सारे लोग एक साथ आएंगे और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में काम करेंगे। टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड देखा जाएगा, इधर जो नॉट डेवलप है और अप्लाइड है, यानी कि यहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्ड को भी ध्यान रखा जाएगा, ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी होना चाहिए, साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पर यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा, साथ ही यहाँ पे मैपिंग करने की भी ज़रूरत है, जो भी टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंस है आज के डेट में सोसाइटी में और इंडस्ट्री में इसको भी मैप किया जाएगा। इसके साथ ही साथ सारे मिनिस्ट्रीज जो है वो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इंप्लीकेशन जो इस तरीके के प्रपोजल में है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे। टेक्नोलॉजी ग्रुप जो है वो यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट प्रपोजल्स यानी कि यहाँ पे एक्सीडिंग 500 करोड़ जो है ना वो यहाँ पे इवोल्यूट करेगी, और वो भी किस लिए? तो टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स के प्रोक्योरमेंट में। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा
कि ये जो आपका ग्रुप बनाया जा रहा है ना, इसमें आपके सारे धांसू लोग होंगे, यानी कि 12 मेंबर आपकी ग्रुप है, और इसमें डिफेंस के साथ ही साथ आपके DRDO के सेक्रेटरीज होंगे, IT के, टेलीकम्युनिकेशन के, ये सारे मेंबर यहाँ पे होंगे और मेनली टेक्नोलॉजी पे ध्यान देंगे, क्योंकि आप लोग को पता है कि आज के डेट में विदाउट टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं होने वाला है। हर एक फील्ड में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, और टेक्नोलॉजी जो है हमें एक डेवलपमेंट की तरफ भी ले जा सकती है। तो इसलिए यहाँ पे हमारी सरकार जो है अब एक्सटेंसिवली ध्यान दे रही है टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ भी लिखने आए, क्योंकि आप लोग देखो कि पेपर 3 में आपका GS पेपर 3 में आपकी टेक्नोलॉजी है, तो उसमें हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आती है, तो उसमें आप लोग इस तरीके का एक कहते हैं ना कि वे फॉरवर्ड लिखो या फिर गवर्नमेंट की स्टेप्स लिखो, तो उसमें आप लोग ये पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हो। अब आते हैं इन फ्लाइट वाईफाई। सो ये है क्या इन फ्लाइट वाईफाई? तो पहले समझिए कि वाईफाई होती क्या है। ये जो टर्म है वाईफाई, ये स्टैंड होती है, यानी कि इसकी भी फुल फॉर्म है, ये है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी यानी कि वाईफाई। आप पहले के ज़माने में अगर आप लोग देखे होंगे तो नेटवर्क का इस्तेमाल करने के लिए, अगर आप लोग को नेट इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए बहुत लंबी वायर भी होती थी। वायर में आप लोग कनेक्ट करोगे तभी आप लोग जो है नेटवर्क आप लोग को मिल पाता था। लेकिन आज के डेट में क्या है कि आप लोग आराम से राउटर भी लगा दो और आप लोग जो है कितनी भी डिवाइस को उससे कनेक्ट कर सकते हो, और ये इसको हम लोग कहते हैं कि आपको वाईफाई मिला है, यानी कि वायरलेस आपको फिडेलिटी मिली है। नेटवर्क का आप इस्तेमाल जो है बिना वायर के कनेक्ट करके आप लोग कर रहे हो। ये एक रेडियो ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है और इसको सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स के साथ बनाया गया है। इसमें हाई स्पीड आपका अलाउ किया जाता है, कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है, वो भी वाइड वैरायटी ऑफ डिजिटल डिवाइसेस में, एक्सेस पॉइंट होता है और हार्डवेयर है। टिपिकल रेंज आप स्टैंडर्ड वाईफाई नेटवर्क का देखोगे तो ये 100 मीटर्स तक भी ये ओपन एयर में रिच होता है, और ये साथ ही साथ जो है फ्रीक्वेंसी आप देखोगे तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या फिर 5 गीगाहर्ट्ज़ तक ये ट्रांसमिट होती है। ये तो वाईफाई है, जो कि अगर आप लोग इस्तेमाल करते हो तो बहुत बड़ी बात है, हर कोई इस्तेमाल करता है। ओके, इट्स नॉट अ बिग इशू। मुझे मेरे घर में जो राउटर लगी हुई है ना, तो मेरी एरिया थोड़ी बड़ी है, घर के आगे थोड़ा बहुत बड़ा गार्डन है और पार्किंग जोन है, तो उसके बाहर में ना, मैं एक स्टोरी बता रही हूँ, उसके बाहर में क्या है ना कि थोड़े लेफ्ट साइड में बॉयज़ हॉस्टल है, राइट साइड में गर्ल्स हॉस्टल है, तो सारे बच्चे जो है ना मेरे एरिया में आकर आराम से गेट के पास बैठते हैं, वहाँ बैठने का भी प्रोविज़न है, बैठते हो और मस्त मेरी वाईफाई को इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी मुझे नहीं पता चला था, कई बार ऐसा होता था कि डेटा ख़त्म हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं इतना इस्तेमाल भी नहीं कर रही हूँ, डेटा कहाँ जा रहा है। फिर मैंने अपने जब CCTV कैमरा ओपन करके देखा, तब मुझे समझ में आ रहा कि अच्छा, ये हॉस्टल के बच्चे जो है ना ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। ओके, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप लोग भी देखते होंगे कि रेलवे वगैरह प्लेटफॉर्म में जाओगे, जहाँ पे भी फ्री वाईफाई मिल जाए, रेस्ट्रो वगैरह हो, CCD हो, तो बहुत ही मज़ा आ जाता है, ऐसा लगता है कि क्या मिल गया है कि नहीं, फ्री का वाईफाई मतलब कि एकदम चांदी चांदी हो गई। हॉटस्पॉट, आज के डेट में हॉटस्पॉट का चलन है। तो हॉटस्पॉट जो है ना एक फिज़िकल लोकेशन है, जहाँ पे पीपल्स जो है अपने इंटरनेट को, अपने या दूसरे इंटरनेट को भी एक्सेस कर सकते हैं। टिपिकली वो वाईफाई को इस्तेमाल करके ही करते हैं। जैसे कि मेरे फ़ोन में अगर हॉटस्पॉट मैंने इस्तेमाल कर ऑन कर दी, तो दूसरे को अगर मेरे इंटरनेट की ज़रूरत होगी तो वो अपना वाईफाई ऑन करेंगे। ठीक है, और ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है, ये भी आपका वायरलेस ही है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे फ़ोन से आपके फ़ोन में, आपको अगर वाईफाई चाहिए, मैं हॉटस्पॉट ऑन करूँ तो आप कोई वायर को लगाते हो, वायर तो अटैच नहीं करते हो, सो इट इज़ नोन एज वायरलेस। ओके, और ये राउटर कनेक्टेड भी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में। तो ये दो बातें आप लोग को ध्यान रखना है। समटाइम्स जो है UPSC क्या करती है कि इस तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी में वो डिफरेंस पूछ बैठती है, और इस तरीके से आप लोग भी देखते हो कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो इस तरीके की चीज़ों से क्वेश्चंस कई बार पूछती है। तो मेक श्योर कि वाईफाई, हॉटस्पॉट, ये सारी चीज़ों के बारे में कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग उसका इस्तेमाल तो करते हैं, बट हम लोग उस पर जो है ना, क्या कहूँ मैं उसको, रियलाइज़ नहीं करते, एनालिसिस नहीं करते कि ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे कर पा रहे हैं, और सिल्ली से सिल्ली क्वेश्चंस हम लोग एग्जाम में मिस्टेक करके आ जाते हैं। तो अब ये बात करते हैं इन फ्लाइट वाईफाई की। तो न्यूज़ में क्यों है, यूनियन गवर्नमेंट जो है रिसेंटली एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं कि सारे एयरलाइंस जो है, जो कि इंडिया में ऑपरेट हो रहे हैं, अब यहाँ पे इन फ्लाइट वाईफाई सर्विस पैसेंजर को प्रोवाइड किया जाएगा। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है वो स्पेसिफाइड करी है कि वाईफाई अवेलेबल होगा, वो भी फ्लाइट के टाइम पे, और ये ब्रॉडली सब्जेक्ट है 2 कंडीशन में। मतलब कि बहुत बड़ी बात कह दी, आप लोग को पता है कि सेल फोन ऑफ करके रखना पड़ता है जब भी आप लोग फ्लाइट में बैठो, लेकिन अब हम लोग वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह, बहुत अच्छी बात है। जो मेन कैप्टन होंगे ना, उनके पास ये अथॉरिटी होगी कि वो स्विच ऑन और ऑफ कर सकते हैं वाईफाई का फ्लाइट में। ठीक है, और कैप्टन को यहाँ पे ज़रूरत होगा कि वो कुछ गाइडलाइंस भी फॉलो करें। फॉर एग्जांपल, जो वाईफाई होगा ना, उसको स्विच ऑन किया जाएगा तभी जब प्लेन जो है एक क्रूजिंग स्पीड में चल रही है, और नॉट ड्यूरिंग टेक ऑफ और लैंडिंग। यानी कि जब टेक ऑफ होती है, लैंडिंग होती है, जब उतरती है, चढ़ती है, ठीक है, तो मतलब कि ये सारी वर्ड्स की भी मीनिंग बतानी पड़ती है, आप लोग समझते नहीं हो तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। खैर कोई नहीं, जब टेक ऑफ और लैंडिंग है, यानी कि अराइवल डिपार्चर ही आप लोग समझिए, जब आती है जाती है, तो उस समय जो है ना वाईफाई आपको नहीं मिलेगा। जब एक आप लोग आराम से
जो है ऊपर फ्लाइट करते हो हवा में, तब उस समय जो है आपको यहाँ पे वाईफाई का सुविधा दिया जाएगा। हर एक प्लेन जहाँ पे ये इन फ्लाइट वाईफाई ऑफर किया जाएगा वो सर्टिफाइड की जाएगी DGCA के द्वारा, और वो भी इस पर्पज़ में बिफोर फ्लेयर्स इन इट कैन इन्जॉय कनेक्टिविटी। यानी कि पहले तो यहाँ पे आपको इस तरीके का सर्टिफाइड करना होगा, तभी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कंडीशन ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आप लोग रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो। आप लोग भी फ्लाइट में अगर जाते आते हो तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। दो यहाँ पे हम लोग देखें डिफरेंट वेज है वाईफाई वर्क ऑन एयरप्लेन। तो ये कैसे होगा, तो पहले तो आप लोग देखिए कि यहाँ पे एयरोप्लेन में एंटीना होंगे, और दूसरा है कि सैटेलाइट। तो डेटा जो सेंड और रिसीव होगा एयरप्लेन से, तो ये एक ग्लोबल और हाई स्पीड कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत बड़ी बात होगी, हम लोग ऊपर रहेंगे और सैटेलाइट से अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही आप लोग देखो कि एयर टू ग्राउंड कनेक्टिविटी, तो डेटा जो है वो आपका सेंड भी किया जाएगा, रिसीव भी किया जाएगा एयरोप्लेन से टू द ग्राउंड, और फिर उसके बाद बैक भी मिलेगा। क्योंकि आप लोग मान लीजिए कि कोई आप लोग फ्लाइट कर रहे हो और मैं यहाँ पे घर पे बैठी हूँ, तो आपको मेरे को मैसेज करना है, तो आप ऊपर से कर रहे हो तो मुझे भी यहाँ पे मिल रहा है, मैं भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, वापस से बैक आपको रिप्लाई कर रही हूँ, तो आपके पास भी ये जो है रिसीव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए हाउ डज़ इन फ्लाइट वाईफाई वर्क। तो यहाँ पे आपका दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये दोनों समझ जाइए कि इस तरीके से काम होगा। एक तो एंटीना होंगे वाईफाई एरोप्लेन में, दूसरा यहाँ पे सैटेलाइट होगी। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये सिमिलर तरीके से काम करेगा जैसे कि हमारे सेलफोन पे काम होता है। एयरप्लेन्स में एंटीनाज होंगे और वो अंडरनेथ यानी कि उनके बॉडी में ये लोकेटेड होगा, जो कि लिंकअप होगा, यानी कि जितने भी सेल टावर होंगे ग्राउंड से, तो उससे इसको लिंक किया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखो कि ग्राउंड में जो है ये लिंक हो रही है एंटीना। साथ ही आप लोग देखो कि एयरक्राफ्ट जो ट्रैवल्स है ये सिंपली कनेक्ट करेगा, जो भी नियरेस्ट यहाँ पे ट्रांसमीटर और टावर है ना उससे कनेक्ट होगा। एयरप्लेन जो है ये आपका एक हॉटस्पॉट बन जाएगा, तो पैसेंजर यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। हाउएवर ये जो सिस्टम है ना ये आपका काम नहीं करेगा जब प्लेन यहाँ पे आपकी फ्लाइंग करेगी एक लार्ज एक्सपेंसेस ऑफ वाटर से, और पर्टिकुलरली कोई रिमोट टेरेन से, जैसे कि आप लोग देखते हो कि कोई जंगल वाला एरिया आ गया, या फिर आपका जो है बहुत ही, तो इंटरनेट काम नहीं करेगा। साथ ही कोई भी वाटर बॉडी से अगर आप लोग क्रॉस कर रहे हो, कोई ओशन वगैरह से क्रॉस कर रहे हो, तो उस समय आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्राउंड में ही आपका इस तरीके का टावर है, तो इस तरीके के टावर से ही ये एंटीना यहाँ पे जो लगा है वो यहाँ पे अटैच किया जाएगा, ठीक है। पहला तो ये है कि एयर टू ग्राउंड वाईफाई सिस्टम है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे आप लोग देखो कि सैटेलाइट बेस्ड यहाँ पे आपका वाईफाई है। यहाँ पे क्या है ना कि ऑर्बिटिंग जो सैटेलाइट है ना उसके नेटवर्क को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, और इससे कनेक्शन आपका एस्टैब्लिश होगा। इन्फॉर्मेशन को पास किया जाएगा ग्राउंड और प्लेन के बीच में, वो भी आपका सैटेलाइट के थ्रू। ये जो सैटेलाइट है ये आपका ग्राउंड स्टेशन से लिंक होगा, और एयरप्लेन जो होगा ना वो आपका कनेक्ट करेगी ये सैटेलाइट को, और एक सैटेलाइट एंटीना को इस्तेमाल करके, वो भी यहाँ पे फ्यूजलेस के टॉप में होगा। तो ये एंटीना आप लोग देख लो कि इस तरीके से एंटीना आपका बना रहेगा, तभी आप लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर पाओगे। वाईफाई सिग्नल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्लेन पैसेंजर में, वो भी यहाँ पे बोर्ड राउटर के थ्रू। जो प्लेन है वो यहाँ पे यूजेस करेगी, यानी कि यूज़ करेगी जब भी यहाँ पे आपका सैटेलाइट जो है नियरेस्ट होगा ट्रैवल करते टाइम, तो यहाँ पे उसका यूज़ कर सकेंगे। और साथ ही साथ हम लोग इसको ऑपरेट भी कर पाएंगे जब हम लोग वाटर बॉडीज से पास होंगे। तो अगर हम लोग को ग्राउंड से यहाँ पे ग्राउंड से अगर हम लोग को कनेक्टिविटी नहीं मिल पाएगा, तो हम लोग सैटेलाइट से कनेक्ट कर लेंगे, या फिर कोई रिमोट टेरेन वगैरह से पार हो रहे हैं तो हम लोग को ग्राउंड से यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा, तो हम लोग जो है ऊपर सैटेलाइट से कनेक्टिविटी ले लेंगे। तो सैटेलाइट वाईफाई जो है ये दो तरीके से डिफरेंट बैंडविड्थ में ये आपका ऑपरेट होगा। सबसे पहला है कि नैरो बैंडविड्थ और दूसरा है ब्रॉडबैंड, ठीक है। तो दोनों जो है पैसेंजर को अलाउ करेगी, फुल इंटरनेट एक्सेस होगा। ऑल्दो जो नैरोअर ऑप्शन है ना वो लेस सुटेबल होगा स्ट्रीमिंग मूवीज़ के लिए, यानी कि जो आप लोग बिना डाउनलोड करते हुए जो स्टार्ट कर देते हो ना मूवीज़ देखना, तो उसमें नैरो बैंड जो है ना वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट करेगी, लेकिन ब्रॉड बैंड जो है उसमें आपको किसी भी तरीके का डिफिकल्टीज़ नहीं देखने को मिलेगा, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सन स्पॉट साइकिल। सो व्हाट इज़ दिस सन स्पॉट, मैं पहले भी आपको डिस्कस की हूँ न्यूज़ में की हुए, पहले ये समझते हैं। रिसर्चर्स जो कि IISER कोलकाता के हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं सन स्पॉट को, वो भी यहाँ पे हेराल्ड द स्टेट ऑफ ए न्यू सन स्पॉट साइकिल है। सन स्पॉट होता क्या है पहले ये समझिए। सन स्पॉट एक एरिया होता है जो कि डार्क देखने को मिलेगा आपके सन के सरफेस में, और ये कूलर होता है यानी कि ठंड भी होती है दूसरे पार्ट ऑफ सन के सरफेस में। सन की सरफेस आप लोग जानते हो कि कितना ज़्यादा गर्म होता है, उसका तो हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ जहाँ पे सन स्पॉट होता है वो एरिया थोड़ी ठंडी होती है। साथ ही यहाँ पे आप लोग देखो कि ये जो एरिया आपका फॉर्म होता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और ये जो है कुछ हीट को विद इन द सन वो यहाँ पे रखते हैं जब ये सरफेस में पहुँचती है। तो उससे तो चलिए थोड़ा फिगर भी दिखा देती हूँ। देखिए ये हमारे सन की सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे जो इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है ये सन स्पॉट है। दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये सन स्पॉट जो है ना इसमें आपकी कूलर टेम्परेचर होती है एज़ कंपैरिजन टू अदर पार्ट ऑफ द सन, साथ ही साथ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये दो आपको तो पक्का ये ध्यान रख के चलना है। अब आइए हम लोग देख लेते सारी डिटेल्स।
तो ये है क्या, ये सन स्पॉट जो साइकिल कहा जा रहा है ये है क्या? सन स्पॉट जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि नंबर वेक्सेस एंड वेंस है एज अमाउंट ऑफ यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसी के हिसाब से जो है सन्स की सरफेस में ये राइज अप होते हैं और वेरी करता है, यानी कि टाइम टू टाइम ये वेरी करता है एक साइकिल में, जिसको यहाँ पे सोलर साइकिल कहा जा रहा है। यानी कि सन में जो है आपको ऑल टाइम ये सन स्पॉट नहीं देखने को मिलेगा, कभी आपको बहुत ज़्यादा स्पॉट देखने को मिलता है, कभी बिल्कुल भी स्पॉट नहीं देखने को मिलता है। पूरे होल में आप देखोगे तो इसको यहाँ पे सोलर साइकिल कहा जा रहा है। ये जो साइकिल है आपका 11 ईयर्स तक होता है और ऑन एन एवरेज जो है यहाँ पे इसको हम लोग सन स्पॉट साइकिल कहते हैं। सो फार एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट किए हैं 24, यानी कि इस तरीके की 24 साइकिल्स को यहाँ पे देखा गया है और लास्ट वन जो है वो 2019 में ही एंड हुई है। इसलिए मुझे ध्यान था कि 2019 के ही कोई मंथली मैगजीन में हम लोग इस तरीके के डिस्कस किए थे। सोलर एक्टिविटीज़ जो है वो इससे क्या होता है, इससे हमारी स्पेस की जो वेदर है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है और साथ ही साथ जो है ना इम्पैक्ट होता है स्पेस बेस्ड जो सैटेलाइट है GPS में इम्पैक्ट होता है, इनफैक्ट बोल रही इम्पैक्ट होता है, साथ ही पावर ग्रिड में होता है। और इस तरीके से आप लोग देखते हो कि डिफरेंट डिफरेंट जगह जो है ये आपका सोलर एक्टिविटीज़ जो है वो अफेक्ट करती है। सन स्पॉट जो साइकिल है ना उसको डिस्कवर किया गया था 1843 में, वो भी जर्मन एस्ट्रोनॉमर है शॉमल हेनरिच शॉवे। तो इनके बारे में याद रखना है क्योंकि आपके कुछ और एग्जाम्स में इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा इसको जो है आपका यहाँ पे डिस्कवर किया गया था। ओके सो गाइज, आज हमारी यहाँ पे साइंस एंड टेक कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो कल्चर भी कर लेंगे या फिर मैं सोशल इश्यूज़, सब कुछ मैं यहाँ पे कवर करा दूंगी। तो कल एक लेसन और आपका आ जाएगा, साथ ही साथ मंडे से हम लोग अप्रैल मंथ की मैगजीन स्टार्ट करेंगे। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट क्वेरी सजेशंस है तो आप लोग फ्रीली कमेंट कर सकते हैं एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।